Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 7, exercise 7.1, question number 3 and 4, 4 class 9. Third question which is given, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. समझाते जाते हो इस पे बोल रहा है AB क्या है एक perpendicular एक लाइन है ना एक AB क्या है एक लाइन है ना और BC BC और BA है ना लिखा हुआ AD और BC ये जो है ये बराबर perpendicular है किस पे इट मींस क्या हो गया ये दोनों आपस में इक्वल हो गए दूसरा चीज सो दैट CD बोला जा रहा है कि ये जो CD लाइन है ये CD bisect AB इट मींस ये इसे bisect कर रहा है इट मींस ये बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है ये हमें प्रूफ करना है ये है नहीं है ना यही चीज हमें प्रूफ करना है ये प्रूफ करना है कि ये दोनों OB और OA इक्वल है ओके तो हम यहां पे शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं जो जो गिवन है वो लिखेंगे गिवन क्या है AD equal to BC है ना ये given है और अभी और कुछ तो given है नहीं हमें तो proof क्या करना है हमें चाहिए तीन चीज एक ही चीज यहाँ पे given है तो थोड़ा mind apply करोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ hints है figure में है ना चल proof हमें क्या करना है कि OA equal to OB ये हमें proof करना है चल शुरुआत करते हैं गिवन पार्ट लिखते एडी एडी इक्वल टू बीसी ये क्या है हमारा गिवन एक चीज और गिवन है देखो ये भी 90 डिग्री का साइन है ये भी 90 डिग्री का साइन है यहां इसमें मैं ये भी लिख सकती हूं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी जो दोनों 90 डिग्री है ना ये भी गिवन पार्ट है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और दोनों दोनों दो ट्राइंगल में है ना तो सबसे पहले हम करते हैं ये हाँ यहाँ पे लिख दूं क्योंकि मैंने जो इन ट्राइंगल ए ओ हमें हमें ये वाली ये ट्राइंगल लिए हैं और ये के बी ओ बी ओ सी एंड डी ओ डी ओ बी ओ सी एंड डी ओ ए डी ओ ए ये दोनों ट्राइंगल को पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तभी हमारा जो है ये बाइसेक्टर समझ में आएगा तो ये क्या है हमारा बोथ 90 डिग्री एक चीज और क्या है देखो यहाँ है ना ये इंटरसेक्ट कर रही है तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके उसके बीच का जो एंगल बनता है वो आपस में इक्वल होते हैं इट मीन्स एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ ए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना तीन चीज आ गया हमारे पास क्या क्या आ गया दो एंगल आ गए एक साइड दो एंगल आ गए एक ये एंगल और ये तीसरा साइड आ गया हेयर ट्राइंगल बी ओ सी congruent to triangle DOA by यहाँ पे देखो क्या आ रहा है angle angle side यानी AAS criterion okay जब ये वाली ये दोनों triangle जो है आपस में ये वाली triangle और ये वाली triangle अगर ये कंग्रुएंट है तो इसका ये वाली साइड AO इक्वल टू BO हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो AO इक्वल टू BO बाय CPCT है ना CPCT से ये इक्वल हो गए जब ये इक्वल हो गया तो हमका क्या होगा इसका मतलब क्या हो गया इट मींस CD bisector of AB CD जो है वो
AB का बाइसेक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवेन L एंड M आर मैंने फिगर नहीं बनाया, चलो फिगर अभी बना देती हूँ। ये आप फिगर ऑलरेडी बुक में गिवेन है ना, L एंड M, दिस इज P एंड दिस इज Q, A B A B C D और Q, नो आई एम रॉन्ग, ओके दिस, ओके वैसे भी करो बात बराबर होता है, चलो लेकिन क्वेश्चन में एग्जैक्ट फिगर L and M are two parallel lines intersected by another pairs of parallel line. L और M जो है ये दो parallel line तो है ही, but ये दो और parallel line जो कि PQ है उससे ये intersect की है. Okay. And so that triangle ABC, triangle ABC एक ये triangle बन गया. ABC ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट टू सी डी ए, कंग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ये वाली ट्राइंगल के बराबर। अब देखो एक चीज तो जब फिगर बना रहे होते हैं ना तब भी समझ में आ जाता है, ये देखो ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, दोनों ट्राइंगल जब मैंने बनाया तो दोनों कलर वो ओवरलैप किए, इसका मतलब ए बी सी में भी है, ये भी ए सी लाइन है और ए सी डी में भी सी, तो सी डी ए बोलो, सी डी ए ट्राइंगल में भी वो लाइन है। चलो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, क्या क्या गिवेन है, तो यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं, कुछ भी एक भी एंगल हमें गिवेन नहीं है, बट थोड़ी सी माइंड अप्लाई करोगे ना आप, जो सेवेंथ में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, सेवेंथ में पढ़ चुकी हो, एट्थ में पढ़ चुकी हो, पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी है उस पे चले जाओ। ओके तो यहाँ गिवेन कुछ नहीं है, हमें सिर्फ प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या है, ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट टू ट्राइंगल सी सी डी ए, है ना, ओके तो सॉरी अगर बोलूं तो 1/25 तो गिवेन है ही, क्या है वो, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, पी एंड Q are two another parallel lines which intersect each other, है ना, वो एक दूसरे को intersect कर रहे हैं और इसी के बीच में हमारा triangle बन रहा है। चलते हैं अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ओके अब देखो बेटा ये जो है ये पैरेलल लाइन है ना, और यहाँ पे हम क्या मान ले, ये हमारा जो है इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जब दो ये पैरेलल लाइन ये यहाँ पे जब ये ट्राइंगल बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना, तो अब ये सबसे पहले यहाँ देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, है ना, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी कैसे है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी लेकर के किए। और दूसरा चीज एक और देख लो, अब ये एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा सिमिलरली, है ना, देन एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये भी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जब मैंने दोनों ट्राइंगल को अलग किया था कि कौन कौन सा करना है तो एक लाइन पे ओवरलैप किया था, तो क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू ए सी, हो गया ना। अब देखो क्या क्या चीज आया है, अब देखिए कि क्या क्या आया है यहाँ पे, तो ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड
becomes triangle ABC congruent to triangle CDA by angle side angle criterion. Okay. ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से प्रूफ हो गया ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हैं। आई होप सॉल्यूशन समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर जरूर कर दें।